माँ शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजा कैसे करें और क्या इसका महत्व है? ये कहा गया है, ना देवो विद्यते काष्ठे ना पाखाने ना मृण्मये, देवो ही विद्यते भावस्तस्मद् भावो ही कारणम। आज से बहुत साधक होते हैं जो 9 दिन उपवास करते हैं, कुछ साधक होते हैं जो आज और अष्टमी में करते हैं, तो क्या ऐसे भी है कि जो बिना उपवास के भी माँ की खुश प्रसन्न कर सकते हैं? यहाँ पे बात आती है जो आराधना की, जो आज से लेकिन 9 दिन करते हैं, और दूसरी बात आप कहें उपवास की, तो दोनों अलग अलग बात है। आराधना जो है नव दुर्गा की होती है, आज से आरंभ हो के सिद्धिदात्री तक होती है, तो शैलपुत्री से आराधना करके लोग आरंभ करते हैं और सिद्धिदात्री तक की पूजा करते हैं, तो ऐसा भी व्रत नहीं करना चाहिए। मैं उन भक्तों को ये संदेश देना चाहता हूँ जो आपका शरीर कामना करे, क्योंकि कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, धर्म करने की साधन जो है ये शरीर है, ये शरीर है, इसीलिए हम यहाँ पर बैठ के पूजा करा रहे हैं। माता रानी का आगमन हो चुका है और माँ अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आ चुकी हैं। अब ऐसे में हम भी आपके सामने हाजिर हैं और हम मौजूद हैं इस वक्त डाक बंगला चौराहे पर कलश स्थापना, क्योंकि आज प्रथम दिन है और प्रथम दिन से माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना होता है, लोग भक्त अपने अपने घर पर, साधक अपने अपने घरों पर या फिर मंदिरों में भी कलश स्थापना करते हैं। और देखिए, हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे किस तरीके से डाक बंगला चौराहे पर कलश स्थापना हो चुका है और 9 कलश रख करके माता रानी का पूजा हो रहा है। आज चूंकि माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, विधि विधान से आज माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, और आज ऐसा माना जाता है कि माँ को अगर सफ़ेद चीज़ों का हम भोग लगाए या फिर सफ़ेद वस्त्र पहन करके माँ की उपासना करें तो माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं। देखिए, हम मौजूद हैं डाक बंगला चौराहे पर जहाँ कलश स्थापना जो है वो समाप्त हो चुका है, पूजा हो रही थी, आरती हो रहा था, और देखिए आप 9 कलश जो हैं वो रखे गए हैं और 9 कलश रख करके ये पूजा जो है वो किया जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम जो भक्त हैं वो मौजूद हैं, पंडित जी जो हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और बात करके आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आप किस तरीके से पूजा कर सकते हैं और माँ शैलपुत्री को प्रसन्न कर सकते हैं। पहले दिन माँ शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजा कैसे करें और क्या इसका महत्व है? ये कहा गया है, ना देवो विद्यते काष्ठे ना पाखाने ना मृण्मये, देवो ही विद्यते भावस्तस्मद् भावो ही कारणम। आराधना उनकी भाव से की जाती है, पूजा भाव से करना चाहिए, क्योंकि कहा गया जो ना देवता पत्थर में वास करते हैं ना मिट्टी में ना लकड़ी में, क्योंकि यदि ऐसा होता तब तो वहाँ भी प्रतिमा लगी हुई है, उनको भी जाकर पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा मेरी भावना है जो माँ यहीं पे विराजमान है और हम यहीं पे उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो पहली बात है जो भावना से पूजा की जाती है, भाव से पूजा की जाती है, भावग्राही जनार्दन, भावग्राही हैं, भाव को ग्रहण करते हैं, तो जितना निर्मल मन जो सोमही पावा मोही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जो होते हैं और जो भाव से आराधना करते हैं उनकी पूजा और वो आराधना स्वीकार करते हैं। तो अगर आज से बहुत साधक होते हैं जो 9 दिन उपवास करते हैं, कुछ साधक होते हैं जो आज और अष्टमी में करते हैं, तो क्या ऐसे भी है कि जो बिना उपवास के भी माँ की खुश प्रसन्न कर सकते हैं? यहाँ पे बात आती है जो आराधना की, जो आज से लेकिन 9 दिन करते हैं, और दूसरी बात आप कहें उपवास की, तो दोनों अलग अलग बात है। आराधना जो है नव दुर्गा की होती है, आज से आरंभ हो के सिद्धिदात्री तक होती है, तो शैलपुत्री से आराधना करके लोग आरंभ करते हैं और सिद्धिदात्री तक की पूजा करते हैं, तो सिद्धिदात्री का मतलब सिद्धि देने वाले, वर देने वाले। तो आपका जैसा कर्म होगा, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण कहे हैं जो कर्मण्य वा अधिकारस्ते, हम तो कर्म करने के अधिकारी हैं, माँ फले मने रहना, जिनकी आप आराधना करते हैं उनके पास आप हैं कि नहीं, उनके समीप हैं कि नहीं, उपवास यही है। व्रत मने ब्रह्म मने ब्रह्म तव मने समीप, ब्रह्म के समीप रहना ही व्रत है। तो व्रत का सही मायने में यदि कहा जाए तो उनके समीप रहना है। अब यदि इस पे चर्चा करेंगे तो एक प्रहलाद की कथा आई है श्रीमद् भागवत में, व्रत प्रहलाद कैसा किया जाता है, कैसे करते हैं, तो उस कथा के माध्यम से आप समझ सकते हैं और उस माध्यम से आप समझिए व्रत क्या होते हैं। दूसरी बात है कि ऐसा भी व्रत नहीं करना चाहिए,
मैं उन भक्तों को ये संदेश देना चाहता हूँ जो आपका शरीर काम ना करे, क्योंकि कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, धर्म करने की साधन जो है ये शरीर है, ये शरीर है, इसीलिए हम यहाँ पे बैठ के पूजा करा रहे हैं। यहाँ पे शरीर है तो लोग आगे पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं रहेगा तो वो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले है शरीर को सुरक्षित करना। दूसरी बात है जो शरीर सुरक्षित करे तो आहार कैसा लें, तो निराहार रहें। यदि आपकी शरीर सक्षम हो तब, नहीं तो जलाहार ले, नहीं हो तो फलाहार ले। ये तो विधान बनाया गया है जो आपके लिए विकल्प है। मेरे सनातन शास्त्र में ऐसा विधान है जो आप किस कहाँ पे खड़े हैं, आप किस लायक हैं, आप उस तरह से आप आराधना कर सकते हैं। और यदि आप ऐसे करते हैं तो कहते हैं सबका फल जो है प्राप्त होता है। क्योंकि मूर्खो वदति विष्णाय धियो वदति विष्णवे उभयोति श्रमं पुण्यं भावग्राही जनार्दन। यदि कोई मूर्ख है और वो विष्णाय 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 कहता है, और कोई बहुत बड़े विद्वान हैं और विष्णवे नमः कहते हैं, लेकिन भावना जिसकी जैसी है उसी अनुकूल उनको फल मिलता है। यदि कितनों शुद्ध उच्चारण कोई कर ले तो ऐसा जरूरी नहीं है जो उनको ही प्राप्त होगा, और जो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएगा तो भी उनको जो है प्राप्त हो जाएगा। जिसका उदाहरण हम लोग सुने हैं जो उल्टा नाम जप ही जग जाना वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जप गए वाल्मीकि जो है ब्रह्म हो गए, क्योंकि राम राम नहीं जप गए वो मरा 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 जपे, तो भाव होनी चाहिए। अच्छा, पहला नवरात्रि में कलश स्थापना की क्या महत्व होती है, ये अगर हमारे दर्शकों को आप बताएं। कलश स्थापना की बात है, हम लोग कहते हैं जो 32 कोटि देवी देवता है, और ये अनुष्ठान नवरात्रि की है, विशेष है, विशेष रूप से मनाया जाता है, और प्रायः सभी सनातनी इसको मनाते हैं, सब इसमें आराधना करते हैं। तो जिनकी जैसी व्यवहार है, जिनकी जैसी भावना है, उस अनुकूल से वो करते हैं। तो हम सभी देवी देवता को आवाहन नहीं करते, नहीं कर पाते, कितना का पूजा करेंगे, क्योंकि अल्प समय है ना, तो अल्प समय में इसीलिए हम सभी का आवाहन उसी पे कर लेते हैं। कहते हैं जे कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य मात्र गणासिता कुक्षो तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा इत्यादि जितने देवी देवता हैं सब उसमें समाहित हो जाते हैं। दूसरी बात है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले क्या निकला था, यही स्वर्ण कलश, इसीलिए सबसे पहले इन्हीं की स्थापना की जाती है और आराधना पूजा की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ ही पंडित जी थे जिन्होंने बताया कि आज प्रथम दिन कलश स्थापना की क्या मुहूर्त, क्या जो है विशेषता होती है, और शारदीय नवरात्रि पर माँ शैल पुत्री की आप कैसे पूजा करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, और इस नवरात्रि में आप अपनी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मैं स्वाति पांडे, कैमरामैन आकाश के साथ।